कायदे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे छोटे और बड़े व्यक्ति को मानना चाहिए, और इन्हें अगर कोई दूसरा व्यक्ति तोड़े, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो आपको वो रोक टोक सकता है और आपकी गलती बता सकता है। हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के कोरबा में, जहां पर एक बीट गार्ड यानी कि वन रक्षक ने अपने से बड़े अधिकारियों को उनकी गलती पर बुरी तरीके से लताड़ा। बिना अनुमति बांस की कटाई होने से भड़के बीट गार्ड ने रेंजर की जमकर क्लास लगाई। वरिष्ठ अफसरों को फटकार लगाते इस वनकर्मी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला वन मंडल परिक्षेत्र कटघोरा के हल्दीबाड़ा के RF 790 का है। यहाँ कुछ श्रमिक बांस कटाई कर रहे थे। रिजर्व फॉरेस्ट में कटाई सफाई प्रतिबंधित होती है। इस क्षेत्र में रक्षक के पद पर बीट गार्ड शेखर सह रात्रे पदस्थ हैं, जो ऊपर से आए एक आदेश के बाद ट्री गार्ड लेने के लिए गए हुए थे। जब वापस लौटे तो देखा कि मजदूर बांस की कटाई छटाई कर रहे हैं। जब पूछा तो मजदूरों ने कटघोरा के परिसर रक्षक राम कुमार यादव के कहने पर बांस की कटाई करना बताया। इस तरह वो हल्दीबाड़ी में बांस की कटाई कर रहे थे। शेखर सिंह रात्रे ने जब बातचीत की तो राम कुमार यादव मौके पर पहुंचे और उनका कहना था कि रेंजर मृत्युंजय शर्मा का आदेश है कि यहां से बांस काटकर ले जाना है। इस पर शेखर सिंह रात्रे ने इससे संबंधित दस्तावेज मांगे जो उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद बीट गार्ड ने मजदूरों को बांस को काटने से रोका और 11 टंगियां जब्त कर ली। इसी दौरान रेंजर मृत्युंजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे और बांस कटाई को लेकर दोनों में बहस होने लगी। रेंजर ने बांस कटाई के संबंध में कोई दस्तावेज होने से इनकार कर दिया। इस दौरान बीट गार्ड ने रेंजर को फटकार लगाते हुए कहा कि यह आरक्षित वन क्षेत्र है जहां पेड़ काटने की अनुमति नहीं होती है, आपको नियम कानून पता ही नहीं है, अपने कंधों पर 3-3 स्टार कैसे लगा लिए हैं, कैसे अफसर हो, बात मत करो, ज़्यादा करोगे तो वर्दी उतरवा दूंगा। बीट गार्ड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग बीट गार्ड शेखर सिंह रात्रे की तारीफ करते नजर आ रही हैं। यार मैं कहने का मतलब ये तो विभागीय रूप विभागीय उपयोग के लिए आदेश, तो कुछ कागजात कुछ नहीं है ना सर यहाँ पे सर कुछ। आप रहोगे तो आप तो थे नहीं। मेरे को तो DFO मैडम आदेश किए 4 बजे मेरे को निकलने के लिए, कल रात में 15 तारीख को आप आदेश निकाले कि आप जाइए रानी कुंडी करके मरवाही डिवीजन वहाँ से ट्री गार्ड लोड करके लाइए। 4 बजे निकला हूँ, आप लोग रात ही में निकलने के लिए बोले तो रात में जाके रात में नहीं गए, सुबह 4 बजे निकला हूँ। कल 16 तारीख में सब काम हो गए, 16 में नहीं रहा था, रात को 12 बजे वापस आया हूँ वहाँ से मैं, और यहाँ ये सब घटना हुआ है। आज मेरी पूरा मीडिया प्रेस आया था, इसके बाद मैं आया हूँ कि देखा मौका स्थिति में क्या हो रहा है। नहीं हुआ है, ये विभागीय उपयोग के लिए है ये, और समिति के माध्यम से। ठीक है सर, अभी मौका में जब गिरे हुए बांस को ही कर रहे हैं, इसका PUR दर्ज करूंगा मैं, चालान काट के भेजवाऊंगा कसनिया डिपो। गिरे हुए बांस को ही कर रहे हैं, आप अपराधी हो, अभी दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए। यहाँ कोई साहब वहाब नहीं हो, नियम से चल रहा हूँ मैं, कोई आप भी साहब नहीं, अभी अपराधी हो आप, मौके पे बात मत करो, दस्तखत करना करो, नहीं दस्तखत करने से निकाल लीजिए इज्जत। क्या कहता है करिए, चलिए दस्तखत इसमें जब्त नामा आपसे जब्त क्यों, जब आपका बयान पढ़ के तुम्हारा आपके श्रमिकों का, ये सुनिए भाई, अपराधी हो तो भाई अपराध किस करना नहीं करना, फिर डिप्टी का काम जांच करना उनका काम है। मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता, धारा 26 का कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, कटाई सफाई है नहीं होना है। अब बिना सीजन के भी कुब का सीजन नहीं, फरवरी मार्च में होता है कुब बांस कटाई, कहीं कुब का कुछ निशान दिखा है क्या यहाँ पर, अवैध हो रहा है ना। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।